हरि को भजन कर हरि में समाइए। एक बार माँ के दस दी सिद्धियां रा देह कहो कहां पाई संग क्या। हाँ बताओ बताओ कहा बात बताओ। और मेरा महेंद्र गौतम जी अभी ने जब ये सब हाल जाना तो अपने आज्ञाकारी पूरे विधि विधान से कर चुके हैं। बहुत ही दुख के मौके पे हम सभी इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले सभा में उपस्थित सभी सब महात्माओं के चरणों में मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। दुख के मौके पे हम सभी इकट्ठे हुए हैं पूज्य माता जी जो हमारे भाई लता जी के लिए प्रेरणा स्रोत थी, जिनको देखकर जिनको समझकर जिनसे आशीर्वाद लेके वो सेवा के कामों में लगे रहते थे वो हमारे बीच में नहीं रही है। तो चरण जी मथुरा जी हम सब के लिए माता जी तो है ही प्रेरणा, और उनके साथ साथ जो है हमारे भाई मल्होत्रा जी भी जो है हम सभी के लिए प्रेरणा है सेवा के काम करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, धर्म कर्म में आगे बढ़ के जो है अपनी सेवाएँ देने के लिए। आज के इस मौके पर मैं माता जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और पिताजी की भी हालत जो है वो ठीक नहीं है, वो ICU में है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ आप सबके साथ मिलके कि वो जल्द स्वस्थ हो हमारे बीच में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम। यहाँ बैठे सारे हमारे पूजनीय महंत और संत उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि हमारी सरहदों की जैसे रक्षा हमारे वीर फौजी करते हैं वैसे ही हमारी संस्कृति की रक्षा ये महान संत और महंत करते हैं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ बैठी हर माता को हर भाई को मैं भगत सिंह परिवार की तरफ से भी नमस्कार करता हूँ, क्योंकि माँ स्वर्गों में बैठी अब और ज़्यादा मल्होत्रा जी को देखेगी, क्योंकि जब तो होता है कोई व्यक्ति सामने होता है तब तो हम कार्य करते हैं, पर उनके जाने के बाद उनके आशीर्वाद के रूप में हमें आगे बढ़ते रहना होगा। तो मैं इसी के साथ बहुत परिवार को सांत्वना देता हूँ और परमपिता परमात्मा माँ को अपने चरणों में जगा देगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम। यहाँ पर विराजमान वंदनीय पूजनीय संत चरण आगंतुक सभी विद्वान जन अर्चक बंधु श्रद्धामयी माताएं बहने उपस्थित बंधु, इतनी अधिक संख्या में इस पावन परिसर में बैठकर के हम सभी दिवंगत उस महान विभूति को याद कर रहे हैं जिसके पांच भौतिक शरीर का नाम माँ विमला देवी मल्होत्रा था। वैदिक सनातन संस्कृति में परमात्मा से भी ज्यादा आदर माँ को दिया है। परम सत्कारणीय माता जी श्रीमती विमला रानी जी मल्होत्रा जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करने आए हैं। शास्त्र ने कहा सबसे पहले मातृ देवो भव, इसके बाद पितृ देवो भव, इसके बाद आचार्य देवो भव, आगे अतिथि देवो भव, यानी यानी वद्यानी कर्माणी तानी सेवानी नोइत्राणी। विचार किया जाए ये श्रुति वाक्य कहता है जिसने अपनी माता के महत्व को जाना है वही इस जीवन को धन्य करने का अधिकारी होता है। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरौ श्री हर आए श्री हर कृष्ण ते आई है सब दुख जाए
तेग बहादुर सिमरया करन औन जावै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसवां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी अरदास ध्यान करके बोलो जी। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखां नूं सिक्खी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, साह दान, भरोसा दान, धर्म सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के इशनान, चौकियां झंडे पुंगे ते गुरु का अटल धर्म का जयकार बोलो जी। जी जो बच्चे मानवता की सेवा कर रहे, धर्म की सेवा कर रहे हैं, इन्होंने बच्चों के सिर तिरंत भरे हाथ रख करके पातशाह जी इस तरह अपन सेवावान आप लैनिया मानवता की सेवा कर धर्म की सेवा कर उत्तम उत्साह बख्शिश करने दरो करो चढ़िया कला जी बख्शिश करने दुखों कलेशों विघना का राह सुखों का प्रकाश करना श्री लाल कृष्ण लाल जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मारे बेहक हो कहां पाइए बार बार ऐसी बेहक हो कहां पाइए भूलत है बावरे अब के सयानो होए रतन अमोल बिरथा काहे को गवाइए। सोच समझ करी माया को संग शीशगंज गुरुद्वारे से पधारे हुए महान ग्रंथी मुख्य ग्रंथी सरदार हरनाम सिंह जी अरदास कराएंगे। गए बल्कि साथ साथ अपना उत्तराधिकारी कितने ही मत है, कितने विचार हैं, कितना ज्ञान है, कितना विज्ञान है, लेकिन एक बात पर आकर सब सहमत हो जाते हैं। मां ठंडिया छा मां ठंडिया छा खने तती हवान लगे लाल तो सदके जावा लाल तो सदके कि ना वो आत्मा खाली हाथ आई थी और ना वो खाली हाथ गई है क्योंकि छुट्टियां मर जावे फुल कौन है ना उदा परिवार देश दी सेवा कर दे रहे कौम दी सेवा कर दे रहे आओ फतेह जाओ है जी का खालसा वाहे जी की फतेह। जो फिर भी चाहिए।